नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक के विरोध में ओबीसी महासभा ने भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन आज किया। सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अंबेडकर पार्क के नजदीक ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। झड़प के बाद पुलिस ने ओबीसी महासंघ के कई लोगों को सड़क पर घसीटकर उनकी पिटाई भी की। उग्र होते ओबीसी महासंघ के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी, तो पुलिस ने बड़ी संख्या में आए ओबीसी महासंघ के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। ये देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ यहाँ पर हाथापाई हो रही है ओबीसी महासंघ के जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ। उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो गाड़ी पे जिन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, इन कार्यकर्ताओं को वो भी कर रहे। ये देखिए महिलाओं से जात भी जुआ छटकी हो रही, जो महिला कार्यकर्ता यहाँ छटकी करते हैं। काफी हंगामेदार यहाँ पे जो है स्थिति बनती नजर आ रही है। पुलिस जो है इन कार्यकर्ता जो वाहन में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था उनको यहाँ से ले जाने में कामयाब। लोकतंत्र की हत्या भी सरकार है, लोकतंत्र की हत्या भी सरकार है। इधर ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ का ट्वीट सामने आया है, शिवराज सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव। यह कहना है कमलनाथ का, कांग्रेस ओबीसी महासभा के आंदोलन के समर्थन में है। तो ट्वीट क्या किया गया है उनकी ओर से, यह हम आपको बताते हैं विस्तार से। हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के हित के लिए उनके आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। शिवराज सरकार में इच्छा शक्ति के अभाव, कमजोर पैरवी और ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखने के कारण यह आज तक लागू नहीं हो सका। कांग्रेस ओबीसी महासभा के आंदोलन का पूर्ण समर्थन करती है, दमन व गिरफ्तारी की कड़ी निंदा में करता। यह ट्वीट कमलनाथ की ओर से पूर्व सीएम है। ओबीसी आरक्षण पर किस तरीके से सियासत गर्मा गई है, पूर्व सीएम ने किस तरीके से मौजूदा अब जो सरकार है उसका घेराव किया है इस ट्वीट के जरिए कि दमन व गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं। तो शिवराज सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है, यह कहना है कमलनाथ का। तो सीएम हाउस का घेराव करने की आज कोशिश हुई, उस वक्त ये तस्वीरें हैं जब घेराव करने के लिए यहां पर महासंघ के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में वहां पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी यहां पर उनको रोकने की पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रही है। देखिए तस्वीरों में और किस तरीके से उसके बाद वहां पर हाथापाई की नौबत आ गई है, किस तरीके से यहां पर देखिए झड़प हो रही है पुलिस के साथ इन कार्यकर्ताओं के, और उसके बाद फिर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। बहुत से ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान हुई जो बहुत उग्र हो रहे थे इस आंदोलन में, जो जबरन वहां पर जाना चाह रहे थे, सीएम हाउस का घेराव करना चाह रहे थे, उनकी गिरफ्तारी फिर वहां पर की गई वैन में। ये देखिए महिला कार्यकर्ता भी वहां पर थी ओबीसी महासंघ से जुड़ी हुई, उनके साथ भी यहां पर झड़प हुई है पुलिस की। पुलिस के साथ वो लोग अब धक्का मुक्की करते हुए नजर आए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की तस्वीर कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मौका यहां पर इन तस्वीरों ने दिया है कि किस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर यहां पर सियासत गर्मा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश आज की गई, हालांकि ये प्रयास असफल प्रयास रहा क्योंकि प्रशासन की पुलिस की तैयारी पहले से यहां पर मुस्तैदी वाली थी, यहां पर मुकम्मल तैयारी थी। लेकिन बावजूद इसके ओबीसी महासभा के जो लोग जुड़े हुए थे इस महासभा से, वो लोग जबरन वहां पर सीएम हाउस का घेराव करना जा रहे थे, सीएम के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते थे। यही वजह है कि इस तरीके से ये जो प्रदर्शन था वो अचानक उग्र होता हुआ भी नजर आया। हालांकि उसके बाद बहुत से लोगों की इसमें पहचान की गई, उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया। अपने हक के लिए ओबीसी महासंघ का ये प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि 27% आरक्षण की मांग यहां पर ओबीसी महासंघ कर रहा है, उन्हें सिर्फ 14% ही ये आरक्षण मिल पा रहा है। कोर्ट में रुख किया गया है, लेकिन कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली है। अब इनका आरोप यह है कि कोर्ट में चूंकि सरकार ने ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखा, इसीलिए ओबीसी समाज के लोगों को यहां पर फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। तो सीएम हाउस का घेराव करने की यहां पर कोशिश की गई, भोपाल की यह तस्वीर है, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। हालांकि ये प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की यहां पर झड़प की तस्वीरें ये सामने आई। तो हक के लिए ओबीसी महासंघ किस तरीके से आज प्रदर्शन करता नजर आया, किस तरीके से वहां पर झड़प हुई है, और झूमा झपटी के बाद किस तरीके से वहां पर गिरफ्तारी हुई है, सब कुछ तस्वीरों में कैमरा
इन कैमरे में कैद है, सब कुछ इन तस्वीरों में कैद है, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार इस खबर को आज सुबह से कवर कर रहा है और किस तरीके से पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से ये जो आंदोलन हो रहा है, जो प्रदर्शन आज किया गया उसके बाद किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि इस प्रदर्शन के बाद क्या ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के स्टैंड में कोई बदलाव आएगा, क्या ओबीसी महासभा को यहाँ पर कोई फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस मंशा के साथ ओबीसी महासभा से जुड़े हुए कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे थे वो मंशा शायद ही उनकी पूरी होती हुई यहाँ पर दिखी। हाँ, यहाँ पर झड़प जरूर हुई, वहाँ पर पुलिस के साथ एक कड़ी मशक्कत करते हुए कार्यकर्ता जरूर नजर आए। हक के लिए ओबीसी महासंघ का ये प्रदर्शन यहाँ पर देखिए किस तरीके से नजर आया है। पूर्व सीएम ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है कि इच्छा शक्ति की कमी है मौजूदा सरकार में। ओबीसी आरक्षण उन्होंने 27% लागू किया था कांग्रेस ने और ये सरकार लागू नहीं कर पा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, शुरुआत से ही यहाँ पर हंगामा हो रहा था और वही तस्वीर यहाँ पर अब और भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पूरी तरीके से सीएम के तमाम जितने भी जाने के रास्ते थे उसे बंद कर दिए गए थे और जिस रास्ते से इन्होंने जाने के प्लान किया गया था उस रास्ते को भी पुलिस द्वारा बंद किया गया था और रास्ते में ही रोकने का प्रयास किया गया। सीमा उसकी तरफ ये लोग जा रहे थे, उसी दरमियान यहाँ पर अंबेडकर पार्क के पास में इनको रोका गया और हंगामा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महासभा के ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और हंगामा हो रहा है, पुलिस समझाइश दे रही काफ़ी लंबे समय से, लेकिन जो ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ता और इनमें जो है बहस बढ़ती जा रही है। देखिए, अब जो पुलिस की गाड़ी है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि जो गाड़ी में जिन कार्यकर्ताओं को भर के ले जाया जा रहा था, गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, उसी हंगामे की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और ये लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये देखिए, जमीन पर जो है लेट गए, घसीट के इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि गाड़ी जो है जिसमें गिरफ्तार किया गया था इन कार्यकर्ताओं को वो भी कर रहे हैं। ये देखिए, महिलाओं से साथ भी झूमा झटकी हो रही, जो महिला कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंची हुई थी वो भी झूमा झटकी करते हैं। काफी हंगामेदार यहाँ पे जो है स्थिति बनती नजर आ रही है। पुलिस जो है इन कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए यहाँ पे काफी हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने जो वाहन में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था उनको यहाँ से ले जाने में कामयाब हुई है। ये कह सकते हैं कि जो आंदोलन शुरू से ही हंगामेदार दिख रहा था वो आंदोलन और भी हंगामेदार होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राघवेंद्र के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। उधर जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर याचिका दाखिल हुई है। जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, साल 2000 में बनी नीति को लागू कराने की मांग इसमें की गई। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने ये याचिका लगाई है। 10 सालों से 20% मध्य प्रदेश की जनसंख्या दर है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता कुमार इंदर, हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। कुमार इंदर, ये पूरा मसला एक बार समझाइए कि इसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर कोर्ट में ये मामला गया है और अब उसके बाद अगला कदम क्या होने वाला है। देखिए, दरअसल माजरा दरअसल यूँ है कि जब दिग्विजय सिंह सरकार हुआ करती थी कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने साल 2000 में एक जनसंख्या नीति लागू की, लेकिन बाद में जनसंख्या नीति पर क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ इस बात को लेकर आज 21 बरस बीत चुके हैं। तो याचिका का मुख्य मुद्दा यही है कि इस कानून को मध्य प्रदेश में लागू किए गए 21 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन इस पर किसी तरह का किसी ने कमेटी, कोई समिति या संगठन ने कहीं पर कोई काम नहीं किया है। लिहाजा मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या दर है वो राष्ट्रीय जनसंख्या औसत दर जो 17 है, राष्ट्र की जनसंख्या दर, उससे 4% ज़्यादा है, यानी कि मध्य प्रदेश की जो है 20% जनसंख्या दर बताई जा रही है। इसी बात को लेकर याचिका में चिंता जताई गई है कि यदि मध्य प्रदेश की जनसंख्या दर इसी तरह से बढ़ती रही तो हमारे जो नेचुरल सोर्सेज है, रिसोर्सेज जो सीमित है, उनको दिक्कत हो जाएगी। साथ ही इस बात को भी इंगित किया गया है कि यदि पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ेगी तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से योजनाएं बनाने वाली जो है
वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कत होगी, लिहाजा सरकारें संगठन इस ओर काम पे मार्गदर्शन। कुमार एक चीज ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो मौजूदा सरकार इस वक्त है वो इस कानून को लेकर क्या कुछ उनका स्टैंड है इस मामले में, क्या किसी मंत्री ने, किसी नेता ने, किसी विधायक ने कोई बातचीत की? देखिए स्टैंड कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश सरकार का कोई दिलचस्पी इसमें है नहीं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पिछले 10 दिन हो गए। यही मार्गदर्शक मंच ने मध्यप्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा था, उन्होंने उससे सवाल जवाब किया था कि आप मध्यप्रदेश में जो 2000 साल की जनसंख्या नीति है उसको लेकर सरकार का क्या रुख है या आप इस पर क्या प्लानिंग। लिहाजा सरकार की तरफ से आप कह सकते हैं चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कोई जवाब इनको संतोषजनक नहीं मिला, यही वजह थी कि इनको हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। अब हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है, निश्चित तौर पर अब देखिएगा आने वाले समय में जब प्रोसीडिंग इसकी लगेगी, इस नंबर लगेगा याचिका का, तो उसमें सरकार को जवाब तलब करना होगा और सरकार को ये बताना होगा कि पिछले 21 सालों में आप जो तनाव सरकारें थी उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आखिर किया क्या है, आप सरकार जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सोच क्या रही है, और उनकी योजनाओं को लेकर याचिका में इस बात के सवाल खड़े किए गए हैं कि कहीं ना कहीं जो जनसंख्या नीति कंट्रोल नहीं हो रही, बनाई नहीं जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने से जो उचित साधन जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उसमें दिक्कत हो रही है। इस नीति को लेकर अब याचिका भी दाखिल हो गई है, कोर्ट में मामला चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।